اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم इन इनाजात का तर्जमा ये है कि जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह के हुक्मों का और क़त्ल करते हैं पैगम्बरों को बग़ैर हक़ और क़त्ल करते हैं इनको जो हकम करते हैं इंसाफ़ करने का लोगों में सो खुशखबरी सुना दे इनको अदाब दर्दनाक की यही हैं जिनको जिनकी मेहनत ज़ाय हुई दुनिया में और आख़रत में और कोई नहीं उनका मददगार क्या न देखा तूने इन लोगों को जिनको जो कुछ एक हिस्सा किताब का जिनको मिला कुछ एक हिस्सा किताब का इनको बुलाते हैं अल्लाह की तरफ अल्लाह की किताब की तरफ ताकि वो किताब इनमें हुक्म करे फिर मुँह फेरते हैं बाजे उनमें से तगाफुल करके ये इस वास्ते के कहते हैं कि हमको हरगिज ना मिलेगी आग दोजख की मगर चंद दिन गिनती के और बहके हैं अपने दीन में अपनी बनाई बातों पर फिर क्या होगा हाल जब हम उनको जमा करेंगे एक दिन के उसके आने में कुछ शक नहीं और पूरा पावेगा हर कोई अपना किया और उनकी हक तलफी न होगी नजगफ़रूना तो माक़बल में ज़्यादातर खिताब जो है वो नसारा को था चूँकि सुर इमरान क्या उनकी तरदीद के लिए नाजिल हुई है लेकिन इन अगली आयात में इन नजग फ्रोना से आगे कुछ यहूद के आमाल का जिक्र किया गया है तो इसमें यहूद व नसारा मुश्तरक भी हैं उनको भी ख़िताब हो जाएगा साथ साथ लेकिन ज़्यादातर अखवाल यहूद को बयान किया जा रहा है तो यहाँ पहली जो आयत है इन लदीनःकफरना ये असल में जजर है किसके लिए यहूद के लिए और ख़ास तौर पर चूँकि कत्ल अम्बिया का अमल उनका है इसलिए उनके लिए जजर बनती है तो इसमें फरमाया जो अल्लाह ताली की आयात का इनकार करते हैं और अम्बिया को कत्ल करते रहे ना हक और इस तरह उन लोगों को कत्ल करते रहे जो इंसाफ का हुक्म देते हैं जी लोगों में से तो फरमाया उनको दर्दनाक अजब की बिशारा सुना दीजिए तो मकसद ये है कि ये दो अमल इनके अल्लाह के आयात का इनकार और अम्बिया का कत्ल और अम्बिया के मुतबईन जो सालहीन और मस्सिन थे अमर बिलकश करने वाले इंसाफ़ का हुक्म करने वाले उनको कत्ल किया हदीस बात में आता है कि बनीसराइल ने एक दिन में तैंतालीस अम्बिया को शहीद कर डाला फिर जो लोग बुज़ुर्ग और थे जिन्होंने इन लोगों को कुछ नसीहत की कि तुमने ये गलत काम किया ये वो भार इनको समझाया तो उन्होंने इन नसीहत करने वाले भी एक सौ सत्तर आदमियों को शहीद कर डाला तो एक सौ सत्तर क्या है नेक लोग शहीद कर डाले और उनके बड़े अम्बिया तैंतालीस शहीद कर डाले तो उन्हीं के बारे में फरमाया फ बशर हम बदाबिनलीम उनको दर्दनाक अदाब की विशारा दे दिए यानी उनके लिए सख्त आदाब आखरत में तैयार है आगे फ़रमाया उल के हाबल ये लोग जिनका ये अमल है अल्लाह की याद का इनकार और अम्बिया का कत्ल करना तो उनके अमाल दुनिया में भी जाय और आखरत में भी जय दुनिया में जाय होने का मतलब ये है कि जो इसक मुसलमान का होता है वो इनका नहीं होगा जो तारीफ़ मुसलमानों की होती है वो इनकी नहीं होगी और आखरत का अजाब तैयार है इनके लिए तो आख़रत में मतलब ये है कि ये जो यहाँ नेकियाँ करके अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे काम करते हैं तो ये अच्छे काम क़यामत के दिन इनके बिल्कुल काम नहीं आएंगे न तो इनके से अजाब को ये अमाल टाल सकेंगे और ना ही क्या है इनको जन्नत के दाखिले का ज़रिया बना बन सकेंगे तो ज़ाहिर बात है अमल इंसान इसलिए करता है कि अजाब से बचे और जन्नत में जाए तो फरमाए इन यहूद के ये अमाल उनको कभी बचा नहीं सकेंगे क्योंकि इनका अकीद ही हो चुका है जब अकीदा कुफ्रिया और कत्ल ब्याह जैसे शनी फेल में ये मसरूफ़ रहे तो फिर इनके अमाल सारे बर्बाद हो गए ममाल नासरिन फरमाए आखरत में उनको कोई इमदाद करने वाला ना होगा आगे ये जजर है यहूद की के, के लिए ख़ास ग्रोह के लिए क्या उन लोगों को आपने नहीं देखा जिनको अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया गया तो मतलब ये कि उनको बुलाया गया था अल्लाह के हुकम की तरफ़ कि उनके दरमियान फ़ैसला हो लेकिन फिर भी एक जमात उनसे इराज करते हुए जो है वो <खँँण> यानी पीछे भाग गई और बात को नहीं माना तो उसके बारे में असल में ये आता है कि हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तु से मनकूल है कि आल्लम हज़रत सल्ला वसम ने यहूद को दीन इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारा दीन कौन सा है तो आपने फ़रमाया मैं दीन इब्राहिम इब्राहीम पर हूँ जो शिर्क बातिल से बेजार और तौहीद के दाई और प्रस्तार थे इस पर वो यहूदी कहने लगे कि नहीं वो तो यहूदी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि अच्छा तौरात ले आओ और इसके से इसका फ़ैसला कर लो तौरात बता देगी कि वो यहूदी थे या यहूदी नहीं थे लेकिन वो यहूदी इस आप के इस चैलेंज पर तैयार ना हुए और तौरात लेकर न आए तो उसी बात की तरफ ये कुरान इशारा कर रहा है कि आपने ऐसे लोगों को देखा नहीं है कि उनको किताब का कुछ हिस्सा मिला लेकिन अल्लाह की किताब जिन तौरात की तरफ उनको दावत दी गई कि तौरात ले आओ ताकि उनके दरमियान फैसला हो जाए लेकिन फिर भी वो क्या है एराज करते हैं तो आगे फरमाए ये एराज और ये जब कि जब करतूत पिछले जिक्र हुए यहूदियों के कत्ल अंबिया कुफ्र कुफ़ुर बया तिल्ला और अल्लाह की किताब जिन तौरात से एराज उसकी वजह क्या है तो उसकी वजह ये बयान फरमा दी ज़ाल बैनमत मसन्नाय्याम मददुदा चूंकि उनका ये इतद था कि हम बुज़ुर्गों की औलाद हैं नेक लोगों के क्या है जो है आगे हम बुज़ुर्गों के बच्चे हैं इसलिए हमें अजाब शज़ाब होने वाला कोई नहीं है इसलिए यह नसारा कहा करते थे जी वक़ालत बन नसारा नखन अबनाल वाहबा हम तो अल्ला के ख़ास महबूब हैं अपने आप को अल्लाह के बेटे और प्यारे कहा करते थे और ये कहा करते थे कि हमें आग शाग ने कोई नहीं छूना है चंद दिन के लिए आग में जाना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है बस छुट्टी हमारी तो फरमाया वग़रह हूँ फीदी ने हिमकानवी अफ्तर फरमाया उनको इनके अपने दीन में जो धोखे में डाला ये उनकी अपनी घड़ी हुई बात है ये उनकी जाहल क्या कौम जो है इस बातों को रटा हुआ है असल में इनके जो बेदीन मौलवी और क्या है आ, बाकी बातिल परस्त पीर शीर थे और अखबार और रबान थे उन्होंने ऐसी गलत इबारतें बना बना कर लोगों को धोखे में डाला हुआ था तो वो ये इबारतें देख कर कहते थे हमें तो चंद दिन रोज़ में जाना है तो फरमाया नहीं नहीं फ़क़ा जमा जमाना हम पता चलेगा जब हमारे दरबार में इनकी हाज़िरी होगी फिर उनका क्या हाल होगा जब हम उन सबको जमा करेंगे ले यौमिल्ला रे बफ़ी ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं तो मकसद ये है कि एक ख़ास दिन आने वाला है जहाँ इनको पता चल जाएगा कि हमारी रस्तगारी होती है कि नहीं होती है इन्होंने ये समझ रखा है कि हम बस बुज़ुर्गों की औलाद हमें कोई अजाब शज़ाब नहीं होगा फरमाया सूरत हाल उस वक्त खुलेगी इनको समझ आ जाएगा जब अजाब में उनको पकड़ा जाएगा तो आगे फरमाया वो कुल व नफसि माँ का सबक हर नफ़्स को वो कुछ दिया जाएगा जो उसने कमाया है तो मतलब ये अगर नेक काम किए होते तो फिर तो के जाहिर बात है <coughs> नेकी का बदला उनको जन्नत मिलती लेकिन नेक काम तो इन्होंने कही है नहीं कि अल्लाह के आयत का कुफर करें हम बया को शहीद करते रहें और इस तरीके से तौरात है जो उनके पास थी उसके फैसले की तरफ दावा दी फिर भी नहीं आया और फिर कहते हम जन्नत में रहेंगे चंद दिन रोजख में रहेंगे फरमाएँ ये बातें इनकी सब गलत हैं बल्कि जो जो करतूत करेंगे उनकी सजा उनको पूरी पूरी भुगतनी पड़ेगी और ये जो कहते हैं चंद दिन दो चंद दिन नहीं होंगे बल्कि इनका अमल चूँकि कुफर है और कुफर की सजा जो है वो दाय मन जहन्नम में रहना हमेशा जहन्नम में रहना थे इन्होंने तो कभी जहन्नम से निकलना ही नहीं है इसलिए इनको ये ग़लत फहमी है कि हम जो है बस चंद दिन के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी आगे फरमाया उफियत कुरून सिमा कसत हम लाईम ला ये कह रहे हैं जी के फरमाया कि जो कोई अमल करेगा उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा ये नहीं नैकी कोई करेगा ये अमाल सालिया करेगा जी तो उसको क्या है पूरा पूरा बदला दिया जाएगा यूं नहीं होगा कि किसी के नेक अमल ज़्यादा और बदला थोड़ा मिले यह भी नहीं होगा या किसी के गुनाह मसलन जो हैं गुनाहों के से ज्यादा सजा हो ये भी नहीं होगा बल्कि जो गुनाहों की सजा वाजबी हुई वही होगी उस पर इजाफा वगैरह नहीं किया जाएगा और ये भी नहीं होगा कि किसी ने गुनाह ना किया हो और खामखा उसको क्या है उस सज़ा में मुबला कर दिया जाए जैसे आजकल बेगुनाह लोगों को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है पूछते ही नहीं है तू कौन है तो किधर से आया ऐसे बस कोई केस बनाकर ज़बरदस्ती जेल में ठोंस दिया जाता है और जाली मुकदमे बना दिए जाते हैं तो फरमाया वहाँ ये नहीं होगा बल्कि जितना जिसने अमल किया है पूरा पूरा उसको बदला दिया जाएगा और उसमें कोई किसी किस्म की कमी कोत नहीं की जाएगी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन यहूद के करतूत से महफूज़ फरमाए और हमें सही आप सरसम की सुन्नत के मुताबिक और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी संवारने की तौफीक नसीब फरमाए वाफिरवाना अलहमद ला रबालमी